हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सेकंड पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, हाउ कैन वी यूज़ द जावास्क्रिप्ट, वेयर वी राइट द जावास्क्रिप्ट, एंड वी टेल यू दैट वी यूज़ द स्क्रिप्ट टैग फॉर एम्बेडेड द स्क्रिप्टिंग इन योर HTML पेज, and that particular script tag is must inside in head tag or in body tag, दोनों में से कहीं पर भी हम लोग use कर सकते थे, है ना। आज हम लोग अपने JavaScript के इस वाले part में, second part में देखेंगे कि external JavaScript की file को हम लोग किस तरह से use कर सकते हैं अपने particular program में, इसके advantage और disadvantage क्या हैं, variables क्या होते हैं, किस तरह से हम अपने JavaScript के variable बनाएंगे, लोकल और ग्लोबल टाइप के वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे ऑपरेटर्स हैं और उन ऑपरेटर्स को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं, एंड इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू या फिर आपके एग्जामिनेशन में जावास्क्रिप्ट पे बेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ कैन वी क्रिएट द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। नाउ हेयर इज अ एग्जाम्पल, दिस इज द एक्सटर्नल फाइल, सॉरी इट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटर्नल फाइल। कि जब भी हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं तो एक्सटर्नल फाइल होती क्या है, पहले हम ये समझ लें। एक्सटर्नल फाइल हम लोग की वो फाइल होती है जिसको हम स्टोर करते हैं उस पर्टिकुलर फाइल के बाहर। जैसे जब हम HTML की फाइल बना रहे थे तो आपने देखा था वहाँ पे दो चीज़ हम यूज़ कर रहे थे, एक तो HTML के टैग और दूसरा हम लोग JavaScript के टैग। हम JavaScript का टैग उस HTML की फाइल के अंदर यूज़ ना करके बाहर कहीं पे यूज़ करते किसी दूसरी फाइल में, तो वो हमारी कहलाती है एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल को हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंशन JS से सेव करते हैं। ये वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, व्हाट इज़ एक्सटर्नल फाइल जिसे हमने अभी डिस्क्राइब किया, इसका बेनिफिट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ हमारे पास HTML की, हमें HTML का एक प्रोजेक्ट मिला, हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, प्रोजेक्ट पे हमने 15 से 20 पेज बना डाले और 20वें पेज पे हमें JavaScript का यूज़ करना था, हमने JavaScript को यूज़ भी किया। अब मेरा प्रोजेक्ट बन गया, हम कस्टमर के पास पहुँचे, हमने कहा भैया ये लीजिए आपका प्रोजेक्ट, पेमेंट कर दीजिए। जब पेमेंट की बात आती है तो इंसान चार बार सोचता है। कस्टमर ने भी देखा और कहा थोड़ी सी गलती हो गई, अगर इस पर्टिकुलर पेज में ऐसा ना हो के ऐसा होता है, इसका कलर ये ना हो कि ये होता तो बड़ा अच्छा लगता। अब आप करेंगे क्या भाई, कस्टमर है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है हम कर देंगे, लेकिन अब आपको चेंजेस कितने पे करना पड़ेगा, 15 से 20 पेज पे, है ना। अगर यही जावास्क्रिप्ट का आप पेज बना के एक्सटर्नल कहीं सेव किए होते तो चेंजेस किस में करना पड़ता, एक में। दिस इज़ द बेनिफिट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाते हैं। दो हमने फाइल बनाई है यहाँ पे, पहली message.js, दूसरी first.html। message.js के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, message.js के अंदर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कोड को लिखा हुआ है, क्या JS का जितना पार्ट होता है ना, सिर्फ वो पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फंक्शन बनाया है, फंक्शन नाम मैसेज और इस मैसेज का ये पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं अलर्ट बॉक्स के अंदर हेलो वेलकम इन JS पार्ट 2, सिर्फ ये प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, first.html के अंदर क्या है, यहाँ पे हमने JavaScript टैग लिखा, src वाले एट्रीब्यूट पे हमने इस वाले message.js को इंट्रोड्यूस कर दिया, एम्बेड कर लिया, ठीक है। बटन के क्लिक इवेंट पे हमने इस वाले मैसेज को कॉल कर लिया। अब ये मैसेज कहाँ से मिला है, तो इस फाइल में, ये फाइल कहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक है। अच्छा, अब ये बात कर रहा है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का में डिफरेंस क्या है, पहले तो हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है ये जान लें, फिर क्लाइंट और सर्वर की बात तो हम लोग को पता ही है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमें इंटरेक्टिविटी का टूल और प्रोग्रामिंग के टूल्स को इंक्लूड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो सर्वर साइड के टूल्स को प्रोवाइड करें, सर्वर स्क्रिप्टिंग, और जो क्लाइंट साइड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, दैट इज़ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरेक्टिविटी इन HTML? इंटरेक्टिविटी का मतलब इंटरेक्ट करना, यूज़र से बात करना। जैसे हम इस समय आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस समय सिर्फ आपको अपनी चीज़ सुना रहे हैं,
इंटरेक्शन का मतलब हम कुछ पूछते, आप उसका आंसर देते, हम फिर उस पर फिर बात करते। अब अगर हम HTML की पेजेस बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहाँ भी तो इंटरेक्शन करना है ना। तो इंटरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म। फॉर्म यूज़र देता है, उस जो भी फॉर्म में वैल्यू देगा उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, किससे वैल्यू को ऑपरेट करेंगे हम लोग, JS के थ्रू। ठीक है, दिस इज़ द इंटरेक्टिविटी। नाउ एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बहुत बहुत ही है यहाँ पे। रीयूजबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, पहली चीज़ तो रीयूजबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, कोड को रीड करने में बहुत इजी होती है, रीडिबिलिटी हम लोग की बढ़ जाती है, टाइम इफ़िशियंट है, और लेंदी कोड को हम लोग को रिड्यूस करके छोटे से कोड में ये करवा देता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फाइल। तो जैसे मैंने ही बताया कि आपने एक JS की फाइल बना ली, उसको 10 HTML के फाइल पे एम्बेड कर लिए, दिस इज़ द एडवांटेज। हाउ डज जावा एक्सटर्नल फाइल प्रोवाइड रीयूजबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजबिलिटी भी कि भाई हमने एक जगह बनाया, अलग अलग जगह उसको यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द रीयूजबिलिटी। डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर दो फाइल आपस में डिपेंडेंट हैं तो यहाँ पे एम्बिगुइटी जनरेट हो सकती है, इसलिए दिस इज़ द डिसएडवांटेज। ठीक है, अगर हम फ्यू लाइन ऑफ कोड्स के लिए एक्सटर्नल फाइल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये हम लोग के लिए डिसएडवांटेज का काम करेगा। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, तो दीज आर द लिस्टिंग ऑफ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। सपोज़ हमने कहा कि भाई एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी निकालनी है, एक फाइल पे हमने DA कैलकुलेट किया, एक फाइल पे हमने TA कैलकुलेट किया, और एक फाइल पे हम यूज़र से बेसिक सैलरी ले रहे हैं। तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं, बिना बेसिक सैलरी के DA और TA नहीं निकल सकता, और जब तक DA TA नहीं निकलेगा हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इस तरह की डिपेंडेंसी होगी तो फिर हम लोग का एक्सटर्नल फाइल हार्मफुल है। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो कह सकते हैं अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपल अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन, है ना, जहाँ पे हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को स्टोर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, व्हाट इज दिस, दिस इज 19, व्हाट इज 19, 19 इज अ नंबर, 19 इज अ मार्क्स, 19 इज अ एज, व्हाट इज 19, कैट इन इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहा है नहीं, तो ये हमारा क्या है, डेटा। लेकिन इसी के आगे हम लिख दें 19+1, तो ये क्या हो जाएगा, 20, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और हम 19 और 20 दोनों को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। इसीलिए हमने कहा कि वेरिएबल इज़ अ स्टोरेज एरिया वेयर वी कैन स्टोर डेटा एज वेल एज इन्फॉर्मेशन बोथ। ठीक है, वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेयर कीवर्ड का। ठीक है, देखिए वेयर कीवर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू 10। अब ये किस टाइप का हो गया पता नहीं, टाइप तो लिखा नहीं है, जैसे इंटीजर एक्स लिखते थे सी में, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ उल्टी है। क्या, जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करी, तो जावास्क्रिप्ट ये देख लेता है कि जिस टाइप की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर है उस टाइप में उसको कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। 10 स्टोर है इंटीजर टाइप का, 20 स्टोर है इंटीजर टाइप का, दोनों को ऐड करके हमने क्या किया, जेड में स्टोर किया इंटीजर टाइप का, और जेड की वैल्यू प्रिंट कर दी, 30 प्रिंट करके हम लोग को ये दे देगा, सही है। अच्छा, वेरिएबल बन गया हम लोग का, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने के अपने यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं, नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर फ्रॉम ए टू जेड, स्मॉल फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आफ्टर फर्स्ट लेटर कैन यूज़, और सॉरी, आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज़ एनी डिजिट 0 to 9, एग्जाम्पल वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो केस सेंसिटिव होते हैं, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स के दोनों अलग अलग हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा हम लोग को। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, हम लोग सी में भी देखे हैं इसको। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल जो विद इन ब्लॉक डिक्लेयर किए जाएँ और जिनको हम सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किए जाएँ उन्हें हम ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक के बाहर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो जो मैंने दो पॉइंट बताए ये तो डिफरेंस ही है। तीसरा पॉइंट ये है कि लोकल की प्रेफरेंस हाई होती है ग्लोबल से। सपोज़ घर में राजू नाम का कोई इंसान है और घर के बाहर मोहल्ले में भी कोई राजू नाम का इंसान है। अब घर में कोई आवाज़ देता है राजू, तो कौन बोलेगा, घर के अंदर वाला, है ना, बाहर वाला क्यों बोलने जाएगा। तो प्रायोरिटी किसकी हाई है, लोकल की।
व्हाट इज़ द रूल वाइल डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल, तो अभी प्रीवियस जो हमने तीन रूल की बात किए थे कि जो भी नाम स्टोर करें स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है ना। कैरेक्टर से स्टार्ट करने के बाद हम नंबर्स की बात कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा पॉइंट, केस सेंसिटिव, दिस इज़ द एग्जांपल। स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर डेटा इज इक्वल टू 200, ये हम लोग का एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया। क्यों? क्योंकि किसी ब्लॉक के अंदर तो है नहीं, ब्लॉक के बाहर है। फंक्शन का एक ब्लॉक ये है, तो ब्लॉक के अंदर क्या वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने? नहीं किया, लेकिन वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, तो ये वाला वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन बी बना रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर, देखिए एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ब्लॉक के अंदर अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि लोकल की प्रेफरेंस हाई होती है, ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप, तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि एज सच डेटा टाइप यहाँ पे वेरिएबल के साथ नहीं देते, जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये किस किस डेटा टाइप या किस किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है? तो पहले ये समझ लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। दो क्या हैं? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव जिसको हम फर्दर कंपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, दैट इज़ नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप जो कि हमारे और कंपोजिट फॉर्म में नहीं आ सकती, जैसे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू क्या स्टोर करी हमने? जो भी वैल्यू स्टोर करनी डबल कोट्स में रखिए। नंबर में विदाउट कोट्स नंबर दीजिए, बुलियन में ट्रू और फॉल्स दे दीजिए, अनडिफाइंड में, अनडिफाइंड मतलब हमने वैल्यू वेरिएबल स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कोई वैल्यू अभी नहीं रखेंगे उसमें हम। अच्छा, नल, नल में अनडिफाइंड में डिफरेंस है। नल अनअसाइन अनअप्लीकेबल, ठीक है, ना तो जीरो होगा ना तो स्पेस, क्योंकि जीरो हम लोग का नंबर है, स्पेस हम लोग का कैरेक्टर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट एरे और रेगुलर एक्सप्रेशन, अभी हम आगे इनकी बात करते हैं। इसी तरह ऑपरेटर्स, मल्टीपल्स टाइप्स के ऑपरेटर भी जेएस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन लिखी है, सम इज इक्वल टू 10 + 20, है ना, तो यहाँ पे प्लस और इक्वल टू दो हमारे ऑपरेटर हैं, ठीक है। प्लस हम लोग का अर्थमेटिक ऑपरेटर है और इक्वल टू हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन जिसे हम रिलेशनल के नाम से भी जानते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इन सबको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए देखिए, 10 + 20, 20 - 10, 10 × 20। डिवीज़न, मॉडुलस, मॉडुलस किस लिए होता है? रिमाइंडर के लिए, ठीक है। इंक्रीमेंट डबल प्लस, डिक्रीमेंट डबल माइनस, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। डबल इक्वल टू इज इक्वल टू का काम करता है, अगर वैल्यू सही है, दोनों बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये ऑपरेटर शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। अगर इससे पहले आपने देखा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं बता दूँ, ये हम लोग का टाइप चेक करता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू डबल कोट्स में 5, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, ठीक है। जब हम 3 इक्वल टू की बात करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी हमें? फॉल्स। नॉट इक्वल टू, नॉट आइडेंटिकल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर हियर? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू जो असाइन करता है वैल्यू, 10 + 10 इक्वल टू 20, एड एंड असाइन, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये ए प्लस इक्वल टू 20 क्या है, इसे थोड़ा सा समझिएगा, एक मिनट भाई। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस इक्वल टू 20, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 20। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, देखिए ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू थी यहाँ पे 10, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, है ना। दोनों क्वेश्चन से देखिए, 10 + 20 इक्वल टू, भाई 10 ये है और 20 वो है, 10 + 10 = 20 इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे माइनस के लिए भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए माइनस 10,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडल्स सबके लिए हम इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज नॉट, ठीक। एंड क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्या दोनों कंडीशन ट्रू हैं, नहीं, इसलिए फॉल्स आई। दो में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे एक भी नहीं ट्रू है, इसलिए फॉल्स वैल्यू आ गई। ये इवन आउट का कॉन्सेप्ट कहता है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो वैल्यू दोगे उसका हम इन्वर्स कर देंगे। 10 दिया तो क्या कर दिया इसने, -10। कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, एंड ये कॉमा यूज़ करते हैं मल्टीपल एक्सप्रेशन के लिए। डिलीट, किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट करेगा ऑब्जेक्ट से, न्यू क्रिएट करेगा एक नया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बार बार आ रहा है, ऑब्जेक्ट है क्या, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है कंडीशनल स्टेटमेंट की, ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते ही क्यों हैं, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना कंडीशन कंट्रोलिंग हो नहीं सकती। क्लास की बात कर लें हम लोग, सपोज़ हमने आपको एक असाइनमेंट दिया, 5 क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इसे कल करके ले आइएगा, प्लीज वर्ड लगाया है, लेकिन तब भी 50% लोग असाइनमेंट करके आएंगे नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं लगाया। अगर मैं यहीं पे ये कहता कि भैया कल क्लास में सिर्फ वही लोग आएंगे जिसका ये असाइनमेंट कंप्लीट होगा, एक कंडीशन लगा देते हैं, तो शायद 75% या 80% लोग करके आते, 20% तब भी ना आते। लेकिन यही कंडीशन लगती कि भैया कॉलेज से बाहर कर देंगे, तब तो सब लोग असाइनमेंट करके आ जाते, है ना। डिपेंड करता है कंडीशन पे कि किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जब हमें अपने प्रोग्राम पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना हो कि कौन सा स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल का, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, हमने एक फ्लोचार्ट से समझाने की कोशिश की है। एक हमने कंडीशन दी, कंडीशन के दो ही पार्ट हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स हुई तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इनके बाद रेस्ट ऑफ कोड हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करेगा। तो अपने प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट इंक्लूड करने के लिए हम लोग इफ, एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, इनकी बात करते हैं। जैसे इफ़ की हम बात कर लें, है ना, इफ़ यूज़ करता है स्पेसिफिक, सिंगल ओनली स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर योर नेम, जैसे हम लोग सी में नहीं करते थे कि एंटर योर एज, है ना, वैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या करेगा, प्रॉम्प्ट आपको एक इस तरह से इनपुट बॉक्स बना के दे देगा एक डायलॉग बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे मैसेज दे देगा इस जगह पे। मैसेज क्या देगा, मैसेज देगा जो मैसेज आपने यहाँ पे दिया है, क्या, प्लीज़ एंटर योर एज। अब आप अपना यहाँ पे एज एंटर करेंगे, सपोज़ आपने एज एंटर करी 21। अब यहाँ पे देखिए, ये एज इस पर्टिकुलर एज वेरिएबल के अंदर आ गई, हमने चेक किया एज 21 इज़ ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू, अब ये लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी। 21 इज़ लेस देन 18, अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरह अभी तक तो हम एक कंडीशन पे काम कर रहे थे, स्पेसिफिक पे, अगर हमें दो कंडीशन पे काम करना है तो हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिटर्न करता है करेंट डेट। अब करेंट डेट अगर हमें देगा तो डेट में हम लोग का मंथ, ईयर, डे, आज, सेकंड और मिनट, ये सारी चीज़ें होंगी। उनमें से उसमें हमने क्या निकाला, गेट आज, और कहाँ पे गेट आज को कहाँ पे स्टोर किया, आज में। चेक कर रहे हैं, अगर आज की वैल्यू लेस देन 12 है तो गुड मॉर्निंग, अदरवाइज गुड आफ्टरनून, ठीक है। जैसे सिंपल हम लोग सी में यूज़ किया करते थे। इफ़ एल्स इफ, अगर मोर देन वन कंडीशन है तो, जैसे यहाँ से यूज़र से हम दो नंबर ले रहे हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर, अगर दोनों नंबर हमारे बराबर हैं, ये लाइन हमारी टाइप कास्टिंग की है, हम आगे जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, सिंपल टाइप कास्टिंग है ये। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ट्रू नहीं होगी तो इसके एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में भी देखिए इफ लगा हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इसके इफ, इसके एल्स में आएगा, ठीक है, और ये लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी। तीनों में से कोई ना कोई तो होगी, या तो बराबर होगा, या कम होगा, या ज़्यादा होगा। अगर बराबर हुआ तो ये, ठीक है, कम हुआ तो ये, और ज़्यादा हुआ तो ये, ठीक। अच्छा, इसी तरह हम लोग स्विच की बात करते हैं, स्विच में भी यही होता है, ठीक है। स्विच में क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम लोग के पास है, आई रिपीट, अगर हम लोग के पास स्टेटमेंट एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं स्विच का।
जैसे देखिए, हमने एक वेरिएबल बनाया ग्रेड, और ग्रेड के अंदर क्या स्टोर किया हमने, बी। रिजल्ट में अनडिफाइंड वैल्यू रखी, कोई वैल्यू नहीं है इस रिजल्ट के अंदर। स्विच के अंदर इस ग्रेड को पास किया, इनडायरेक्टली क्या पास किया है हमने, बी। अब वो देखेगा क्या इससे मिलता जुलता कोई केस है, अगर इससे मिलता हुआ कोई केस है तो उस केस को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कुछ मिलता हुआ ना होता तो डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करता। बी रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, बी ग्रेड, और यहाँ बी ग्रेड को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन पे हम ये लेके आएंगे कि हम लोग किस तरह से लूप अपने वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।